जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जब आप सेकंड हैंड गाड़ी बेचने के लिए सेलर परचेजर से डील करता है, एक कंसीडरेशन अमाउंट डिसाइड होता है कि गाड़ी की इतनी वैल्यू है, आपको इतना देना होगा, ये बातचीत करनी है, उसके बाद आप गाड़ी सेल कर देते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। सपोज करो 5 लाख की गाड़ी थी, आपसे बंदे ने बोला जी ठीक है जी 3 लाख मैं आपको भी दे रहा हूँ, 2 लाख मैं जब दूंगा आपको जब आप मुझे NOC दे दोगे। दिल्ली की गाड़ी है, मुझे पंजाब ले जानी है। अब एक बात बताओ, आपने यहीं पे गलती कर दोगे। एक बात ध्यान रखना, पेमेंट पूरी लेनी है 5 के 5, क्योंकि NOC निकलवाने में कोई खर्चा नहीं आता, किसी एजेंट के थ्रू या कैसे कराओगे तो नॉर्मल जो चार्ज है वो लेंगे और काम करा देंगे। लेकिन जहां आपने उसे 3 लाख रुपए लिया और 2 लाख रुपए बैलेंस छोड़ दिए कि जी आप जब गाड़ी ट्रांसफर करा लोगे या NOC ले लो तब मैं दे दूंगा, कोई नहीं देगा भाई तुम्हें पैसा, लेके फरार हो जाएंगे, फिर आप पुलिस थाने के चक्कर काटते रहना कंप्लेंट के लिए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट पूरी लो। दूसरी बात, जैसे ये ओलेक्स को, ट्रू वैल्यू वालों को आप लोग गाड़ियाँ बेचते हो ना, बेचने के बाद आप अपडेट नहीं लेते कि उन्होंने गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई है नहीं करवाई है। कई मेरे पास ऐसी कंप्लेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ गाड़ी बेचने और खरीदने का काम किया है और गाड़ी ट्रांसफ़र भी नहीं कराई। तो इसमें आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरत है। अगर 1 महीने के अंदर अगर ये लोग ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं तो आप इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो इसीलिए जागरूक बनिए, बहुत ज़रूरी है। इन्हें सिर्फ बीच में पेमेंट का इनका क्लियर हो गया, इनकी तरह से गाड़ी कोई भी ले जाए, ट्रांसफर कराए ना कराए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको कैसे पता चले कि आपकी गाड़ी ट्रांसफर होगी या नहीं हुई, बताओ। आज तक आपने ट्रू वैल्यू वाले को या ओलेक्स वाले को आपने गाड़ी बेची है, क्या उसने आपको अपडेट दिया है कि जी आपकी गाड़ी ट्रांसफर होगी है? 100 में से 1 जने ने अपडेट दे दिया होगा, लेकिन 99 ने नहीं दिया होगा। आप अपनी गाड़ी के लिए खुद जागरूक बनिए। जिस तरीके से ट्रू वैल्यू वाले एक एक पैसा जोड़ते हैं, HP चढ़ी होती है, नई चढ़ी होती है, चलान होते हैं, उन सारों के पैसे काट लेते हैं और टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो ये आपका भी राइट है कि आप उसे टाइम पे इन्फॉर्मेशन लो कि आपने हमारी गाड़ी किसको बेची है। और एक बात और ध्यान रखना, जो आपसे फॉर्म साइन कराए जाते हैं ना, उसे ध्यान से साइन करा करना, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा रहता कि आपने ट्रू वैल्यू वालों को बेची है। उसमें सिर्फ 29-30 फॉर्म इसलिए साइन कराए जाते हैं ताकि अदर बंदे के नाम पर कर ले। और लेकिन जैसे ही आप ट्रू वैल्यू वालों को देते हो गाड़ी, तो उनसे डिलीवरी रिसिप्ट लेना मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर उस गाड़ी से कोई क्राइम हो जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो यही डॉक्यूमेंट जो आपको उन चीज़ों से बचा सकता है जो भी परेशानी उत्पन्न होती है आफ्टर सेल, क्योंकि आज का फ्रॉड बहुत हो रहा है, गाड़ियों के चलान भी बहुत हो रहे हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और कुछ लोग गाड़ी को मिसयूज़ भी करते हैं। तो उससे ऑनर को बचने के लिए सबसे अच्छा ये समाधान है, मेरी वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।